हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बारिश में भीग के हम लोग आ गए हैं, मेरे ससुराल के यहाँ आ गए हैं मायके से। ये महानवमी के दिन का है, तो ये देखिए हमारे बैग वगैरह रखा हुआ है। और अर्पित का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है क्योंकि रात के आधी रात को हम लोग निकल चुके थे, ट्रेन में चढ़ गए थे और बारिश उसके बाद से चालू हुआ। इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। देखिए, स्टेशन पे आके पहुंच गए हैं ससुराल में, लेकिन अभी तक स्टेशन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और गाड़ी में अभी चढ़ना है और फिर घर जाना है, लेकिन इतना बारिश हो रहा है, जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूजा में आधा, मतलब पूजा भी ख़त्म नहीं हुआ है दुर्गा पूजा, और आधा पूजा मायके में देखी हूँ और आधा ससुराल में। तो ये देखिए, घर आ चुकी थी और शाम के टाइम हम लोग निकले थे बाहर घूमने के लिए। बाहर मतलब घर के बाहर, हमारे गांव बहुत बड़ा है और गांव में 10-10 दुर्गा माता का पूजा होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्पित बैठा हुआ है और हम पूरे फैमिली, मतलब फुल फैमिली घूमने के लिए निकले हैं एक साथ। ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है, सबका ड्यूटी वगैरह रहता है, मेरे जेठ जी का, सभी लोग मतलब एक साथ नहीं घूम पाते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ, सब एक साथ थे उस टाइम। भैया सब आ चुके थे ड्यूटी से और हम एक साथ घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग समझ सकते हो, पूरा परिवार एक साथ हो तो कितना अच्छा लगता है। और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, एक साथ हम सब रहते हैं, एक ही साथ, एक ही घर में सब एक साथ रहते हैं। लेकिन काम की वजह से अलग अलग रहना पड़ता है, मतलब हम ही लोग अलग रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर देखिए, घूम रहे थे तो थोड़ा थोड़ा शूट किया है, पूरा तो एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी और पूरा तो शूट भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ देखिए, मेरी जेठानी की, बड़ी जेठानी की बेटी, यानी कि हमारे घर की लाडली बेटी ने देखिए कैसे मुझे शूट किया है। मैं खा रही थी एग रोल, लेकिन बहुत मतलब बेकार का बना था, तो मेरा फेस देखिए कैसा लग रहा है देखिए तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और वो मुझे बोल रही थी, देखिए काकी माँ, मुझे काकी माँ बोलती है, तो मुझे बोल रही थी काकी माँ देखो आप कैसे फेस बना रहे हो तो मुझे ये बहुत फनी लगा, तो मैंने ये वीडियो ऐड कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये देखिए, मेरी दो जेठानी है, दो जेठ जी है, घर के सारे बच्चे हैं सब एक साथ। वो देखिए हमारी लाडली बेटी, जो सफ़ेद कलर का ये देखिए ड्रेस है ना, ये ड्रेस, ये वाली वो है। और मिडिल में जो खड़ी है वो हमारी बड़ी जेठानी है, और साइड में जो थी वो हमारी छोटी जेठानी। ये है मेरी मतलब हम तीन बहुएं हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये बड़ी है, और इसके बाद मिडिल में जो है वो मेरी छोड़ दी है और मैं हूँ। और ये देखिए मेरे छोटे जेठ जी हैं, सब बहुत हंसी मजाक करते हैं एक साथ। मतलब आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा परिवार है, मतलब क्या बताऊँ, सब हंसी मजाक करते रहते हैं हम सब एक साथ। और ये देखिए, मैं दीदी लोगों को बोल रही थी यहाँ बहुत अच्छा लाइट है, चलिए कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। और वो तो घूम लिए रात में। और ये है दशमी के दिन, मतलब विजया दशमी जो होता है, दशहरा उस दिन का। तो हम लोग गए थे हमारे मंदिर, हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में जो मंदिर है, सामने वाले मंदिर में माता को सिंदूर लगाएंगे। हाँ, तो और इसको बोलते तो हैं जात्रा बांधना। हाँ, तो वही बांधने के लिए गए हैं। पूजा होता है सभी के अलग अलग। और देखिए कितना लंबा लाइन है, और बारिश हुआ था तो ये देखिए, इग्नोर कीजिएगा नीचे कितना पानी गिरा हुआ है देखिए रास्ते पे। और हम सबसे लास्ट में थे सभी लोग देखिए आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे पड़ गए। तो यहाँ पर सिंदूर खेलेंगे। और यहाँ देखिए तीन भाई हैं, ये देखिए अर्पित, अर्पित के दो भैया हैं, ये देखिए। तो बहुत धूप था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, अर्पित को ऐसे ड्रेस पहनाई थी ना, उससे बहुत गर्मी लग रहा था,
सभी बच्चे देखिए गर्मी में कैसे हो गए हैं। ये देखिए अर्पित का छोटा भैया है, मतलब मेरे बड़े जेठ जी के बेटे। और यहाँ मंदिर में सभी लोग हैं जो पूजा करते हैं वो सब, और ढाकी लोग जो ढाक बजाते हैं, और यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा होता है, मतलब ये बहुत भाग में मिलता है सभी को एक दूसरे को सिंदूर लगाना। तो ये देखिए इसके सिंदूर खेला हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। जो बंगाली है वो समझ जाएंगे, और जो नहीं है वो भी देख लीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर पूजा करने के बाद हम चले जाएंगे, मतलब सिंदूर वगैरह खेल लेंगे, इसके बाद चले जाएंगे घर। और घर जाके हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, और फिर लंच बनाएंगे, और उसके बाद कपड़े चेंज करके हम चले जाएंगे घट विसर्जन करने। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाला है, आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा मुझ पे। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।